हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम दो प्याज़ा। तो चलिए, मैंने इस रेसिपी की तैयारी की है तो आपको दिखाती हूँ इसके लिए मैंने क्या-क्या लिया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये दो पैकेट मशरूम लिया है। ये पैकेट वाला मशरूम है, ये काश्मीरी लाल मिर्च है, ये जीरा पाउडर है 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, और ये 1 चम्मच मैंने गरम मसाला का लिया है, और 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, और ये मैंने प्याज को बारीक कट कर लिया है, ये मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं और इन्हें अलग अलग कर लिया है, ये शिमला मिर्च काटा है मैंने, और ये टमाटर का पेस्ट बनाया है, और ये लहसुन है, और ये कुछ तेज पत्ता है, ये एक इलायची है, और ये एक छोटी सी दालचीनी है, और अदरक का एक टुकड़ा भी है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे हम। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स मशरूम को काट लेंगे। फ्रेंड्स, ये मशरूम मैंने काट लिए हैं, अब हम गैस ऑन करेंगे। ये हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालें, जब ये तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें ये मशरूम फ्राई करके निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें मशरूम डाल दूँ, इसे फ्राई कर देने से ना इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो ख़त्म हो जाता है और मशरूम थोड़ा ड्राई हो जाता है। ये देखिए, ये फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। फिर हम इसी ऑयल में शिमला मिर्च और ये जो प्याज को क्यूब्स में काटे हैं उसे भी फ्राई करके निकालेंगे। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ऐसे फ्राई करके निकालना है और इसी ऑयल में मैं ये शिमला मिर्च फ्राई कर रही हूँ। इसे भी बस हल्का लाइट ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं पकने देंगे। फ्रेंड्स, ये शिमला मिर्च फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। और हम इसी ऑयल में ये जो क्यूब्स में ये ऑनियन काटे थे इसे भी हल्का फ्राई कर लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का क्रंची पन ही रहना चाहिए इसका। फ्रेंड्स, अब ये ऑनियन निकाली है मैंने, ये भी फ्राई हो गई है, और इसी ऑयल में हम ये तेज पत्ता, दालचीनी, ये एक इलायची, ये एक सूखी लाल मिर्च डाल के हल्का लाल होने देंगे। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा जीरा है, मैं ये भी इसमें डाल दे रही हूँ। ये डालने के बाद ये जो हमने ये प्याज काट करके रखा है इसे डाल के फ्राई करेंगे। और ये जो लहसुन और अदरक मैंने काटा है इसे हम ये मसाला कुटी में कूट लेंगे।
मैं पेस्ट नहीं बनाई हूँ, आप चाहे तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं ये प्याज हो चुका है, ये मैं अदरक और लहसुन को कूट ली थी, मैं इसमें इसको ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम ये कुछ जो सूखे मसाले हैं इसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये धनिया पाउडर, तो एक चम्मच धनिया पाउडर है, ये आधी चम्मच हल्दी पाउडर, ये तीखा लाल मिर्च है ये मैंने एक चम्मच लिया है, और ये जीरा पाउडर जो आधा चम्मच है, और ये मैंने गरम मसाले की जगह किचन किंग मसाला लिया है। आप भी इस मसाले से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। ये मैंने हाफ चम्मच लिया है, और नमक, तो नमक मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, आप जैसा खाते हो आप वैसा डालिएगा। अब इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे। और ये मैंने जो टमाटर का पेस्ट बनाया है हम इसमें ऐड कर देंगे, और गैस मैंने मीडियम ही रखा है। फ्रेंड्स ये हमारा मसाला तैयार हो गया है, ये कढ़ाई छोड़ दिया है, भून चुका है। अब ये मैंने जो मशरूम, प्याज और शिमला मिर्च फ्राई करके रखा है हम इसमें ऐड कर देंगे। से थोड़ी देर पकाएंगे। फ्रेंड्स देखते हैं ये भुन गया है कि नहीं, ये अच्छी तरह से पक गया है फ्रेंड्स। अब आप चाहे तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ, ये मैगी मसाला, आप इसमें ऊपर से इसे ऐड कीजिए, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और हम लोग थोड़ा सा राइस के साथ भी खाएंगे, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। फ्रेंड्स अब ये बन चुका है, तो मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारी सब्जी बन चुकी है, मशरूम दो प्याजा। यदि आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसे बना के अपने घर में फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।